एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बालोद के सरकारी लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस के कमरे में युगल जोड़े को पकड़े जाने के मामले पर राजनीति पूरी तरीके से गर्मा चुकी है। बता दें, मामले में आरोपी ने पूर्व विधायक का नाम लेकर के रूम बुक कराया था। पुलिस पड़ताल में जो झूठा निकला है, इसके खिलाफ अब पूरे इस मामले पर पर्दा खुल चुका है। वही मामले पर पूर्व विधायक ने आरोपी भूपेंद्र सिन्हा के ऊपर कड़ी कार्रवाई के लिए एसपी को पत्र लिख दिया है। मामले में बालोद थाने में आरोपी के ऊपर धारा 419 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई करी जा रही। मुझे मामले की जानकारी सुबह हुई और जैसे ही मामले की जानकारी हुई कि लेटर में ऐसा लिखा हुआ है, उसमें मेरा नाम आया है, मैंने तुरंत तत्काल एसपी ऑफिस गया और एसपी साहब को एक लेटर दिया और उस पर कार्रवाई करने के लिए, सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए एक लेटर दिया। और जैसे कि उस लेटर में बताया गया है कि वो मेरा छोटा भाई है, मैं बता दूं कि वो मेरा छोटा भाई नहीं है, नहीं मेरा रिश्तेदार है। उसने जो है भुवनेश सिन्हा नामक व्यक्ति रुका हुआ था, पहले अकेला आकर जो है कमरे को अलर्ट कराया, उसके बाद कोई लड़की जो है आई, ऐसा जो है कर्मचारी द्वारा कहा बताया गया है वहाँ के। तो उसमें चूँकि लोग इकट्ठा हो गए थे, मालूम हो गया था कि यहाँ ऐसे लोग आए हुए हैं, तो भुवनेश सिन्हा के विरुद्ध जो है धारा 151 की कार्रवाई हुई थी, जो अभी जेल में बंद है, और जो लड़की थी उनके विरुद्ध जो है सदाचार बनाए रखने हेतु धारा 109 की कार्रवाई हुई थी।